Noida's D-Day today, D-Day for these Twin Towers here, where this 103-meter tall tower will be brought down in true House of Cards style. Well, heavy deployment of police and traffic preparations here. I'm joined by DCP Ganesh Prasad sir. So, सबसे पहले ये बताएं किस तरीके की तैयारियां हैं? देखिए, तैयारी पूर्ण हो चुकी है. अब तैयारी क्या बताएं, अब तैयारी जो स्कीम है, हमारी प्लान है, वो लागू हो चुका है. और सुबह 7 बजे से हम लोगों ने डायवर्जन स्टार्ट कर दिया गया था. हम लोग बिल्कुल प्लान के मुताबिक चल रहे हैं. हम लोगों ने जो पार्किंग चिन्हित की थी, चाहे वो मीडिया कर्मियों के लिए हो, चाहे वो आसपास के रेजिडेंस वालों के लिए हो, वो बिल्कुल प्लान के मुताबिक चल रहा है. जितने भी डायवर्जन पॉइंट हैं, विशेषकर हमने बताया था आपको, पहले भी डायवर्जन स्कीम बताया था कि ट्विन टावर के आसपास के जो डायवर्जन है वो सुबह 7 बजे से लागू कर दिया जाएगा. वो लागू हो चुका है और वहाँ दिक्कत नहीं आ रही है. एक सवाल बार बार पूछा जाता है और मैं आपके माध्यम से बताना भी चाहूँगा कि नोएडा और ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेस वे को कब बंद किया जाएगा. जहाँ तक एक्सप्रेस वे को बंद करने की बात है, तो हम ब्लास्ट से 15 मिनट पहले का समय रखे हैं, जब हम अंदर से सूचना मिलेगी हमें कि ये समय ब्लास्ट का चयनित है. हालांकि पहले से डिसाइड है, अगर आगे पीछे होता है तो उससे 15 मिनट पहले बंद करेंगे. और ब्लास्ट के बाद अगर 10 मिनट या 15 मिनट में अगर डस्ट सेटल हो जाता है तो हम उसको खोलने की योजना है. ये पूरी जो गतिविधि होगी वो आधा घंटे के अंदर हम रखते हैं, लेकिन हो सकता है कि अगर सिचुएशन थोड़ी अगर कुछ बदलती है तो समय सीमा बढ़ जाए. और इन द इवेंट ऑफ कंटिजेंसी, जो ग्रीन कॉरिडोर के आपने अभी ड्राई रन भी उसका हुआ, उसके बारे में थोड़ा बताएं कि इन द इवेंट ऑफ कंटिजेंसी क्या है. देखिए, 10 हॉस्पिटल आसपास के चिन्हित किए गए हैं, क्योंकि आसपास आप देख रहे होंगे पीछे काफ़ी रेसिडेंस है और किसी भी तरह की हो सकता है कि इमरजेंसी हो जाए, किसी को अंदर से बाहर ले आना पड़े, तो उसके लिए एक इमरजेंसी रूट बनाया गया है. ग्रीन कॉरिडोर का ड्राई रन किया गया है और ये आज के दिन इसलिए किया गया है कि उस सुबह ये देखना था कि हमारे जो पुलिसकर्मी हैं, जो आज पहली बार इस जगह ड्यूटी स्थल पर आए, कम से कम वो भी संवेदनशील हो जाए और हमारी टीम उसको सुबह ही इसे एक ड्राई रन करके देख ले, ताकि जो समस्या आ रहा है उसको उसी समय देख के निदान किया जाए. और अगर कोई इमरजेंसी आती है तो जो गोल्डन आवर का कंसेप्ट है या फायर इमरजेंसी आती है, तो हमारी पूरी तैयारी है. हम आपको आश्वस्त करते हैं कि समय रहते हुए उसको गंतव्य तक पहुँचाएंगे. बताएं कि इवैक्यूएशन ड्रिल जो सुबह हुई थी वो किस तरीके से जारी है? वो जारी नहीं है, वो पूरी तरह कंप्लीट हो गया है. और अगर कुछ भी बच गया होंगे, उम्मीद तो नहीं है, क्योंकि इसके प्रशासन और आपको अथॉरिटी और RWS को कोऑर्डिनेट कर रही है, तो उनके द्वारा आश्वस्त किया गया, उनके द्वारा अभी हमारे इंसिडेंट कमांडर को फीडबैक भी दिया गया है. तो जो समय सीमा था 7 बजे सुबह का, तो वो पूरी तरह उसमें मुझे लगता है कि. और नोएडा के लोगों का आपका क्या मैसेज देंगे, नोएडा के लोगों को जिनके आज दुख दुखी लगी हुई है, क्या मैसेज आपका एज DCP ट्रैफिक क्या मैसेज रहेगा? देखिए, जो सुरक्षा के मानक हैं वो पूरी तरह पालन किए जा रहे हैं. और मैं पहले भी बताया हूँ कि हम लोग कई दिन से यहाँ पर सुरक्षा के या फिर से ट्रैफिक के रिहर्सल कर रहे हैं, लोगों की ब्रीफिंग है. और लोगों से यही अपील है कि ये जो प्रक्रिया है ये बहुत कम समय के लिए होगा, कुछ सेकंड के लिए होगा. और जो कंपनी लगी हुई, उन्होंने आश्वस्त किया है कि उनका काफ़ी पुराना अनुभव है, तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं आएगी. और हम लोगों ने सोशल मीडिया के माध्यम से जो आपके प्रिकॉशन है या फिर जो एहतियातन है, वो आसपास के लोगों को ब्रीफ किया है. हमारे हेल्पलाइन नंबर के माध्यम से लोगों को सूचना भी दी जा रही है, तो कहीं कुछ डरने की ऐसी ज़रूरत है नहीं. ये एक सुरक्षित डिमोलिशन है, ये बिल्कुल अच्छे ढंग से हो जाएगा. जहाँ तक ट्रैफिक पॉइंट ऑफ व्यू की बात है, या फिर जिस जगह हम लोगों को नहीं रहने देना है, जैसे जैसे समय करीब आएगा वो प्लान भी एग्जीक्यूट कर लिया जाएगा. मुझे लगता है कि जो पूरी प्रक्रिया है पूरे अच्छे ढंग से कर ली जाएगी. वेल, ऑल आईज ऑन नोएडाज ट्विन टावर एज दीज विल बी ब्रॉट डाउन इन ट्रू हाउस ऑफ कार्ड्स मैनर दिस आफ्टरनून.